अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अरशद रज़ा और हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी कि बाहर नहीं गए नहीं, क्योंकि बादल बने हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने लाइव सेशन में मुझसे पूछा कि 1,000 सब्सक्राइबर पूरे किए बगैर हम किस तरह अपना लाइव सेशन कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइव वीडियो किस तरह बना सकते हैं, यानी कि किस तरह लाइव आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मोबाइल स्क्रीन पर दिखा दूं, ताकि आपके जो भी शक व शुबहात हैं और जो आपको समझ नहीं आ रही उसका, वो भी आपको इसका पता चल जाए। तो सबसे पहले आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि जो भी इंसान मुसलमान किसी दुख तकलीफ़ में मुबतला हो, अल्लाह पाक उन सब की दुख तकलीफ़ दूर करें, और जो हमारे न्यू यूट्यूबर भाई हैं उनको अल्लाह पाक कामयाब करें, और उनकी जितने भी मुश्किलात हैं इस रास्ते में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो 4,000 घंटा वॉच टाइम है, तो अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और अपने टारगेट अचीव करने में उनकी मदद फरमाए। तो मैं एक, यानी कि मेरा चैनल एक व्लॉग के हवाले से है, तो मैं टेक्निकल चीज़ें यानी कि इस पर शेयर नहीं करता, फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आपको ये टेक्निकल यानी कि यूट्यूब के हवाले से जो है मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, ताकि आपका जो ये मसला है वो हल हो जाए। इसी में मेरी खुशी है और इसी में मेरे चैनल का फ़ायदा है, यानी कि जब तक मेरे लोगों को यानी कि जो देखने वाले हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप 1,000 सब्सक्राइबर पूरे किए बगैर लाइव आ सकते हैं, और उस लाइव के थ्रू आप अपना वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। पूरा किस तरह होगा, क्योंकि जब आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको जितना वॉच टाइम 24 घंटे में मिलता है, उतना वॉच टाइम आप लाइव आके 2 घंटे या 1 घंटे में हासिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों की लाइव में जाते होंगे तो लोग भी आपकी लाइव में आएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आपके साथ चलते रहेंगे, कम से कम 4-5 बंदे हों लाइव में तो आपके लिए काफ़ी है कि आपके 10-12 घंटे आसानी से बन जाएंगे लाइव, अगर आप सिर्फ 2 घंटे के लिए भी करते हैं। तो वैसे भी लोग क्या करते हैं कि लाइव ऑन की मोबाइल साइड पर रख दिया, उनको कोई पता नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है नहीं, वो इस तरह क्या होता है उनका जो वॉच टाइम है वो इनक्रीज होता रहता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप लाइन पर मौजूद रहें, जो लाइव सेशन के अंदर आए उन्हें वेलकम कहें, उनसे बातचीत करें, तो इसी में ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब मोबाइल की स्क्रीन पर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने मोबाइल के ब्राउज़र पर लाइव अपना जो चैनल है वो किस तरह करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन वाली जो वीडियो थी वो मैंने डिलीट इसलिए कर दी कि कुछ दोस्तों ने कहा कि जो चैनल के हैक होने का ख़तरा होता है, इसलिए आप वो वीडियो जो मोबाइल की स्क्रीन पर बनाई है वो डिलीट कर देते। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आपने जब स्ट्रीम यार्ड गूगल में ओपन करनी है, उसके बाद आपने उसमें लॉगिन होना है एक जीमेल अकाउंट के थ्रू। आपके जीमेल पर एक कोड आएगा 6 हिंसों का, वो आपने लिखना है उसमें, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने किस प्लेटफार्म से इस पर लाइव आना है, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के थ्रू या लिंक्डइन, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। वहाँ पर आपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करना है, उसके बाद यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो चैनल के जिस जीमेल पर आपने लाइव लॉग इन किया होगा उस पर जितने भी चैनल होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे, तो आपने वही चैनल सेलेक्ट करना है जिस पर आप लाइव आना चाहते हैं। उसके बाद वो आपसे आगे क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपने कैम के थ्रू लाइव सेशन करना है या सिर्फ वॉइस के थ्रू करना है। तो आपने अगर आप सामने बैठ के करना चाहते हैं तो कैम ऑन रहने देना, नहीं तो आपने कैमरा जो है वो ऑफ कर देना, सिर्फ वॉइस के थ्रू आप लाइव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे गो लाइव का ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लाइव में चले जाएंगे। तो इसके अलावा मैं कोई दूसरी जीमेल ढूंढूंगा जिस पर सब्सक्राइबर हों लेकिन वो किसी के ऑफिशियल जीमेल ना हो, तो उसके थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
तो आज रात जो लाइव सेशन होगा उसमें भी मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप भी आप लाइव करने के काबिल हो गए हैं, यानी कि मुझे इसे शफीक भी रहे हैं कि वो भी कह रहे थे कि मुझे इसकी सही मुकम्मल तौर पर समझ नहीं है। उसके अलावा दूसरा भी एक मेरा भाई था, उसने भी मुझे कहा है कि आप इसका तफसीलन हमें वीडियो बना के दें, आमिर शहजाद भाई देश परदेस वाले चैनल वाले। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि उन्हें मुकम्मल तफसील के साथ इसकी समझ आ जाए। और बाकी भी चैनल वाले थे जो लाइव में आते हैं और मुझसे कहते थे कि हमें इसका तरीका कार नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अगर कुछ कोई मसला हो आपका तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। चाहे मेरा चैनल जिस चीज़ का भी है, लेकिन जो इल्म मेरे पास होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि जो यानी कि आपके चैनल को जो दिक्कत या आपको कोई दिक्कत है वो आपकी हल हो सके और आप अपनी मंजिल मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी में ही सबकी भलाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।